हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, इसका जो है मतलब क्या है, किसको कहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो उन लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। जो हमारा इंक्लूसिव स्कूल्स होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, जहाँ पे समावेशी शिक्षा दी जाती है, जो नॉर्मल चिल्ड्रेन हैं और डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हैं उनको एक साथ सेम क्लासरूम में जो है उनको एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो अपंग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको कैसे हम लोग जो है नॉर्मल कंडीशन जो है प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपनी डेली जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको नॉर्मली तरीके से जो है उनको कर सके। तो यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर हम डिसेबल्ड बच्चों को, डिसेबल्ड इंडिविजुअल को नॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो है अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को नॉर्मल तरीके से जो है कर सके और वो नॉर्मल जो है फील कर सकते हैं, उसी भी प्रोसेस को जो हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज जो है डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन की, कैसे जो है एक डिसेबल्ड बच्चा, एक डिसेबल्ड इंडिविजुअल कैसे अपने आप को जो है अपनी डेली लाइफ रूटीन में वो कैसे अपने आप को नॉर्मल जो है फील कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ द सम पीपल विथ डिसेबिलिटीज एंड ऑफरिंग देम द सेम कंडीशन एज ऑफर टू अदर सिटीजन। यहाँ पे इस पॉइंट का जो मेन मतलब है वो क्या है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, उनको ऑफर करना क्या, सेम कंडीशन जो कि हमारे अदर सोसाइटी मेंबर को, अदर सिटीजन को जो डिसेबल्ड नहीं है उनको जो है प्रोवाइड कराई जाती है, वो हमारे डिसेबल्ड इंडिविजुअल और चिल्ड्रन को भी जो है ऑफ़र की जानी चाहिए, तभी जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हो पाएगी और एक डिसेबल्ड बच्चा और एक इंडिविजुअल अपने आप को जो है नॉर्मल फील कर सकेंगे। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, इट आल्सो इन्वॉल्व द नॉर्मल कंडीशन ऑफ लाइफ। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या क्या, ऐसा क्या, कौन कौन सी जो है चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल कंडीशन में जो है अप्लाई होती हैं, जो कि हमारा अदर सिटीजन, जो हमारे सोसाइटी का है, जो कि डिसेबल्ड नहीं है, उसकी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। वो सारी कंडीशंस जो है डिसेबल्ड इंडिविजुअल या फिर बच्चा में भी होनी चाहिए, जैसे हाउसिंग और स्कूलिंग, एम्प्लॉयमेंट और एक्सरसाइज। हमारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी भी जो है लाइफ में ये नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि हाउसिंग, स्कूलिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सरसाइज। जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको भी उनकी लाइफ में नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं हाउसिंग, स्कूलिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सरसाइज। जो थर्ड बात आती है वो क्या आती है, एन इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी। वो बंदा, वो व्यक्ति जो कि डिसेबिलिटी का शिकार है, वो शुड एक्सपीरियंस सेम एज एन इंडिविजुअल विदाउट डिसेबिलिटी। हमारी सोसाइटी में जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो भी डिसेबल्ड इंडिविजुअल हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है वो सेम होना चाहिए,
उस इंडिविजुअल के जैसा होना चाहिए जो कि डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है, नॉर्मल है, विदाउट डिसेबिलिटी, एंड द सक्सेस एंड द फेल्योर ऑफ एवरीडे लाइफ। जो हमारे डिसेबल्ड इंडिविजुअल है, डिसेबल्ड चिल्ड्रेन है, उनका एक्सपीरियंस जो है सेम होना चाहिए उस इंडिविजुअल के जो कि डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है। उन्हें भी जो है जो सक्सेस और फेल्योर का एवरीडे जो लाइफ में रूटीन होता है वो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आता है फोर्थ पॉइंट नॉर्मलाइजेशन का, वो क्या है? द गोल ऑफ द नॉर्मलाइजेशन मीन्स उसका जो गोल है, डेस्टिनेशन है, मोटिव है हमारे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का, वो क्या है? टू अलाउ द इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज टू एक्सप्रेस डेली लाइफ एंड एज डू इंडिविजुअल विदाउट डिसेबिलिटी लाइक एबल टू मेक चॉइस एक्सप्रेस विशेस एंड डिजायर। जो हमारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसका क्या गोल है, उसका क्या डेस्टिनेशन है कि जो हमारे इंडिविजुअल डिसेबिलिटी का जो है शिकार है उनको जो है वो एक्सप्रेस करे सेम डेली लाइफ एज टू इंडिविजुअल विदाउट डिसेबिलिटीज। उनके जैसा उनका भी जो है डेली लाइफ होना चाहिए, एक नॉर्मल जो है डेली लाइफ होना चाहिए। किसका? हमारे डिसेबल्ड बच्चों का, जो कि एक विदाउट डिसेबिलिटी एक नॉर्मल व्यक्ति और एक नॉर्मल चिल्ड्रन का होता है। जैसे कि वो अपनी चॉइस को जो है एक्सप्रेस कर सके, अपनी विशेस को एक्सप्रेस कर सके, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस कर सके, जैसा कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपनी डेली लाइफ में करता है, वैसा ही जो है एक डिसेबल्ड बच्चों को भी जो है अपनी डेली लाइफ में ये रूटीन होना चाहिए कि वो अपनी चॉइस, विशेस और डिज़ायर को एक्सप्रेस कर सके। जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है? नॉर्मलाइजेशन गिव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग। जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये एक लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, जो हमारी सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन बनी हुई हैं डिसेबिलिटी को लेके, उसको ख़त्म करना है और मेन स्ट्रीमिंग को जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मेन स्ट्रीमिंग का अगर जिन बच्चों को मतलब नहीं पता होगा वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आप लोग को डिटेल में मेन स्ट्रीमिंग के बारे में बताया है। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीमिंग है, अगर वर्ड आ गया तो मैं यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेन स्ट्रीमिंग क्या है। प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन टू अ स्टूडेंट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उनका इंक्लूजन एक स्पेसिफिक टाइम के पीरियड के लिए कराया जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? मेन स्ट्रीमिंग। तो हमारा जो नॉर्मलाइजेशन का गोल है वो क्या है? मेन स्ट्रीमिंग को बढ़ावा देना और रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट को ख़त्म करना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रोसेस है जो है नॉर्मलाइजेशन का, कि हमारा नॉर्मलाइजेशन किस किस पॉइंट को डिनोट करता है, उसका क्या गोल है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी और प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और नॉर्मलाइजेशन जो टॉपिक है वो आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।